नूह में हुई हिंसा के बाद झज्जर पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो झज्जर पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। नूह में हुई हिंसा के बाद झज्जर पुलिस अलर्ट मोड पर है। आधी रात पुलिस फोर्स के साथ जो एसपी हैं वो सड़कों पर उतरे, संवेदनशील इलाकों में जाकर दिशा निर्देश दिए गए पुलिसकर्मियों को, और साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी गई कि जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ पोस्ट डालेगा उसकी खैर नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलेंगे अपने संवाददाता प्रदीप धनखड़ के पास। प्रदीप, क्या जानकारी है? जयदीपा, नूह में हुई हिंसा के बाद झज्जर पुलिस भी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। पूरी रात झज्जर जिले के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन सड़कों पर दिखाई दिए। उन्होंने खुद जाकर संवेदनशील इलाके का दौरा किया है। इतना ही नहीं, झज्जर जिले के 7 डीएसपी जगह जगह तैनात किए गए हैं। इतना ही नहीं, करीब सैकड़ों पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। इसके साथ ही चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण देते हैं, बयान देते हैं, ऐसे लोगों के पर भी पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। ट्विटर अकाउंट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तमाम तरीके की जो चीजें हैं, इंस्टाग्राम हो, सभी पर ही झज्जर पुलिस ने अपनी पैनी नजर रखी हुई है, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले पोस्ट डालता है या जिसकी वजह से माहौल खराब होने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी पुलिस ने कर ली। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मन भी पुलिस ने बना लिया है। हालांकि झज्जर जिला पूरी तरह से अभी तक शांतिपूर्ण है। रात के समय जो मस्जिद के इलाके हैं, जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है, और वहां उसी जगहों पर भी पुलिस ने पेट्रोलिंग की है, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, झज्जर जिले में शांति कायम रहे। ठीक है प्रदीप, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो झज्जर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर, कि किसी भी तरह से स्थिति ना बिगड़े। तो नूह में